गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रविवार के लॉकडाउन को जरूरी बताया और कहा कि रविवार को बाजारों में भीड़ बढ़ रही थी, इसलिए ऐसा करना बहुत जरूरी हो गया था। उन्होंने कहा, पड़ोस के राज्यों से कोरोना ग्वालियर चंबल इलाके में तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को टोटल लॉकडाउन को जायज बताया और कहा, रविवार को बाजारों में भीड़ बढ़ रही है, इस कारण ये व्यवस्था करनी पड़ी है। खेल कोरोना अभियान के तहत हम चुन चुन कर कोरोना संदिग्धों को निकाल रहे हैं और उनका उपचार करा रहे हैं। पड़ोस के राज्यों से कोरोना मुरैना ग्वालियर में पहुंच रहा है। ग्वालियर नेताओं के महाकाल शुद्धिकरण करने की बात पर उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पाखंड बताया और कहा, कांग्रेसियों के जाने के बाद हम भी जाएं तो क्या होगा। यही थी कि जो हमारे गरीब और छोटे लोग हैं उनके रोजगार प्रभावित न हो। एक लंबा समय हो गया, आर्थिक चक्र पुनः पटरी पे आए, लेकिन जब देखने में ये आया कि संडे के दिन लोग उसकी गंभीरता को भूलकर पिकनिक मनाने या पिकनिक स्पॉटों पर अधिक दिखने लगे, तो एक मन में अज्ञात आशंका पैदा हुई। क्या है कि अभी कोरोना के लिए किल कोरोना अभियान चल रहा है। किल कोरोना अभियान में हम खोज खोज के लोगों को निकाल रहे हैं। ये अभियान पूर्ण हो जाए तो फैलने का डर समाप्त होगा। पूरे देश में या पूरे विश्व में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। हम मध्य प्रदेश को उससे बचाना चाहते हैं। यही कारण है कि आप देखेंगे कि मौत जो है, डेथ एक भी हो तो दुखद होती है, लेकिन कल सिर्फ दो तीन में ही सिमट के हमने उसको कर दिया है। तो इसलिए वो संडे का उसका ऑफ करने का विचार है। पड़ोस के राज्यों से जो कोरोना है, हम मध्य प्रदेश में भले किल कोरोना अभियान चला लें, लेकिन चूंकि अनलॉक प्रारंभ है तो पड़ोस के राज्यों से, जैसे धौलपुर या दिल्ली की सीमा से लगा हुआ हमारा इलाका मुरैना ग्वालियर, यहाँ पर जो व्यापार की दृष्टि से व्यापारी आते हैं, उससे उसकी कोरोना बढ़ रहा है। पॉलिटिकल पाखंड है ये। ईश्वर के पास तो संत भी जाते हैं, शैतान भी जाते हैं। अब एक हाथ जगह तो कांग्रेस को छोड़ देनी चाहिए, हर जगह पाखंड करना मैं अच्छा नहीं मानता। उनको पुनर्विचार करना चाहिए, कम से कम एक हाथ पवित्र स्थान तो छोड़ देना चाहिए। अब हम कह दें कि इनके जाने के बाद फिर हम धोएंगे, इससे क्या लाभ होगा। एक हाथ स्थान छोड़ना चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।